अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में। और जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी दुनिया भर में मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जाता है, इसी तरीके से यूथ मुशायरा जिसका इनेकाद दी यूथ थिंक टैंक ने किया है। यहाँ पर आप मेरे अकब पे देख सकते हैं कि एक लोगों का बहुत बड़ा जमे गफीर मौजूद है जो सेलिब्रेट करने के लिए आए। सहाफ़ी हजरात से लेकर बहुत सारे दीगर शोरा भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और हम उनसे मालूम करते हैं इस मुशायरे के हवाले से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरजाना जो कि न्यूज़ कास्टर हैं पीटीवी पे, और आइए ये भी इस मुशायरे में शरीक करते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि आप इस मुशायरे का हिस्सा हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं इंतज़ामिया में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यूथ टैंक जो है वो नौजवानों के लिए है। उनके मसाइल पे काम करना, सोचना, अवेयरनेस देना, एक प्लेटफॉर्म पे ज़िंदगी के मुख्तलिफ डोमेन के लोगों को इकट्ठा करना और फिर बातचीत करना। और आपको पता है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर मसाइल का हल निकलता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये जो मुशायरा है इससे आप कितना हद तक समझते हैं कि मुल्क की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? देखें, शायरी जो है वो जज्बात के इजहार का ज़रिया है। आज शायरी अगर मोहब्बत के मौजू पे है तो कल मसाइल पे भी होगी। बिल्कुल ठीक है। और 14 फरवरी की मुनासिबत से कुछ कहना चाहें? 14 फरवरी मोहब्बत का दिन है। मैं समझती हूँ पूरा साल मोहब्बत का दिन है। हर साल मनाना चाहिए या हर दिन मनाना? हर दिन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीनियर तर्जिया निगार वजीद सानी साहब के साथ, तो आइए इनसे पूछते हैं मुशायरे के हवाले से। वालेकुम सलाम। मेरा पहला तारुफ जो है वो शायर होना है और मेरा दूसरा तारुफ सहाफ़ी होना है। तो आप जब मुशायरे के हवाले से सवाल कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मुशायरे में शरीक है। ये ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए कि वो अदब सीखें, मोहब्बत से बात करें, सलीका सीखें, बात करने का, ज़ुबान बोलने का। तो उसके लिए इस तरह की रवायात, इस तरह की महफिल बहुत ज़रूरी है। और जो 14 फरवरी के हवाले से बताइए कि ये आज के दिन इसका इनेकाद किया गया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? यार, पिछले पूरे हफ्ते में फरवरी और मार्च ये बसंत के महीने कहलाते हैं। तो पहले पतंगबाजी के मुकाबले हुआ करते थे, महाफिल हुआ करती थी, शेर व शायरी के प्रोग्राम हुआ करते थे। बसंत पर तो पाबंदी है लेकिन ये मुशायरे अभी हो रहे हैं। तो ये कल्चर है, फरवरी मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा मुशायरे होते हैं और 14 फरवरी चूँकि मोहब्बत का दिन है तो मोहब्बत की बात 14 फरवरी को की जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, जीते रहिए। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया उनके तआवुन से आज कल की ये खूबसूरत महफिल जो इस वक्त अपने स्टार्ट होने से पहले ही उरूज पे है। अहमद शाह साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आर्ट काउंसिल के, उन्होंने इसी शर्त पे किया कि अगर कलाम मायारी और बेबहर ना हुआ तो आइंदा नहीं होगा ये। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारे शोरा हजरात इतने अच्छे हैं कि हम सब इनसे बहुत महजूज़ हों। आर्ट्स काउंसिल यूथ के लिए अपनी सारी की सारी तवानाइयां खर्च कर रहा है और इसका जो सिला है, जो इसका समर हमें मिल रहा है वो यूथ फेस्टिवल की शक्ल में, म्यूज़िक फेस्टिवल की शक्ल में, और हमारा रिनाउंड सबसे ज़्यादा बड़ा जो काम है वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को खुश आमदेद कहता हूँ यहाँ पर, और हमारे पुराने साथी खलीलुल्लाह फारूकी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। बाकी जो फर्दन फर्दन लोग आए हैं, उम्मीद है कि आप बहुत इससे महजूज़ होंगे और आर्ट्स काउंसिल की इस खिदमत को भी सराहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे आगे बढ़ जाने से कोई पीछे रह जाएगा? मेरे आगे बढ़ जाने से कोई पीछे रह जाएगा? एक जज्बे को जीत मिलेगी, एक सिसकता रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।